दोस्तों अक्षय कुमार की लेटेस्ट मूवी कठपुतली हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। सो आइए देखते हैं क्या ये फिल्म अपने थ्रिलर से आपको बांध पाई है या नहीं, एंड विल ऑल्सो डिस्कस कि क्या ये रत्शासन के क्वालिटी बेंचमार्क पे खड़ी उतर पाई है या नहीं। सो स्टिक विद दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो जैसा कि ट्रेलर में हमें दिखाया गया था, ये मूवी कसौली में बेस्ड है एंड वहाँ एक के बाद एक स्कूल गोइंग लड़कियों का मर्डर होने लगता है। ये किलर पब्लिक स्पेस में बॉडी छोड़ता है। अक्षय कुमार पुलिस ज्वाइन करने के पहले एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता था एंड उसे सीरियल किलर पे फिल्म बनानी थी, बट किसी वजह से वो फिल्म नहीं बन पाती है एंड मजबूरन ही सही वो आज एक पुलिस ऑफिसर है। सो आगे हम देखते हैं पुलिस को इन मर्डर्स का पैटर्न मिल जाता है एंड वो सीरियल किलर को पकड़ने के लिए प्लान बनाते हैं। सो अब क्या सीरियल किलर पकड़ा जाता है एंड इन मर्डर्स के पीछे आखिर में वजह क्या होता है, फॉर दैट यू हैव टू वॉच दिस मूवी। फिल्म का सिनेमाटोग्राफी ठीक ठाक है, बट द वीएफएक्स पार्ट इज नॉट अप टू द मार्क। फिल्म का बीजीएम अच्छा है, बट आई थिंक फिल्म में सॉन्ग्स की कोई जरूरत नहीं थी जो अचानक ही सीन के बीच में आ जाते हैं। एक्ट्रेस परफॉर्मेंस की बात करूं तो अक्षय कुमार के कैरेक्टर को मेन लीड ना बताते हुए एक नॉर्मल सा पुलिस ऑफिसर बताया गया है एंड ही प्रूव्स हिज वर्थ थ्रू आउट द फिल्म एंड क्लाइमेक्स में जाने के बाद फाइनली वो फिल्म को लीड करता है। सो सम टाइम इट फील्स शरगुन मेहता जो अक्षय कुमार की सीनियर ऑफिसर होती हैं, उन्हें इस फिल्म का लीड प्रोटैगनिस्ट क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि छोटा ही सही लेकिन उनका प्रेजेंस काफी इंपैक्ट फुल है। ऑल द अदर एक्टर्स हैज डन देयर जॉब नाइसली एंड सीरियल किलर का रोल जिसने भी किया है ही हैज जस्टिफाइड हिज रोल परफेक्टली। टॉकिंग अबाउट द राइटिंग पार्ट, कठपुतली का स्क्रीन प्ले अपने ओरिजिनल फिल्म रत्शासन से थोड़ा अलग है, बट द होल एसेंस इज द सेम। ओनली द क्लाइमेक्स पार्ट इज ट्विक्ड अ बिट एंड एक्चुअली में मुझे स्क्रीन प्ले में किया गया चेंजेस अच्छा लगा, नहीं तो ये फिल्म काफी मोनोटोनस हो जाती। फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है एंड ये आपको बांध के रखती है, लेकिन बीच में देयर आर डल मोमेंट्स लाइक सॉन्ग्स, एज आई थिंक थ्रिलर फिल्म में सॉन्ग की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए एंड क्लाइमेक्स पोर्शन में जो चेंज किया गया है उसकी वजह से फिल्म थोड़ी स्ट्रेस्ड हो गई है। बट अगर आपने रत्शासन नहीं देखा है देन यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दिस। सो ओवरऑल आई मस्ट से इट्स अ गुड अटेम्प्ट टू रीमेक अ फिल्म लाइक रत्शासन। बट यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा, बॉलीवुड को अपनी ओरिजिनल फिल्म पे काम करनी चाहिए। लाइक देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्राइम बेस्ड स्टोरीज आउट देयर, उनमें से किसी पे फिल्म बन सकती थी सो दैट हमें कोई नया स्टोरी देखने को मिलता। एनीवेज इफ यू हैवंट सीन रत्शासन देन दिस कठपुतली इज अ गुड वॉच फॉर यू गाइस एंड अगर आपने रत्शासन देख रखा है देन डोंट कंपेयर it with the original one. That's it for today's video. Hope you like this review. Do like, share and subscribe my channel. See you soon.